BRMGSS जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल भारत का भविष्य में। दोस्तों, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की दोस्तों 2022 में दोस्तों अप्रैल में दोस्तों ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर दोस्तों ज्वाइनिंग होती है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूँगा कि आप लोग इसका आशा छोड़कर कहीं और काम करने लगें तो ही ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप लोग खुद को बखुद बेरोजगार हो जाइएगा और दोस्तों BRMGSS काम नहीं कराएगा। दोस्तों, मैं आज BRMGSS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आप लोगों ने खुद हमसे पूछा है दोस्तों, कमेंट करके पूछा है दोस्तों, क्या BRMGSS सरकारी है। तो दोस्तों, आज हम मुख्य मांग को लेकर आए हैं कि दोस्तों BRMGSS सरकारी है या नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, भारतीय रेलवे माल गोदाम सरकारी है, लेकिन दोस्तों उसमें काम करने वाले मजदूर का पंजीकरण सरकारी नहीं है। दोस्तों, आप लोग यदि उसमें काम करना चाहते हैं तो आप लोगों का जॉब सरकारी नहीं होगा। दोस्तों, मैं एक बात और आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग BRMGSS यानी दोस्तों भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में काम करना चाहते हैं, क्यों ना मजदूर की हो या दोस्तों औदर काम हो, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, उसमें दोस्तों रेलवे पास की सुविधा नहीं मिलेगी। दोस्तों, यदि आप लोग काम करते हैं या काम करना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को दोस्तों रेलवे पास की सुविधा नहीं मिलेगी। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं, उसमें दोस्तों आपके लड़का और लड़की की शादी में एक भी रुपया दोस्तों नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, 60 वर्ष की आयु के बाद आपका मासिक पेंशन भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आप लोग BRMGSS में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग एक बात और जान जाइए, आपको दोस्तों रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं मिलने वाला है। यदि दोस्तों काम करते वक्त यदि चोट लगती है या दोस्तों कुछ भी होती है या मृत्यु ही हो जाती है तो दोस्तों आपको मुआवजा भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, उसमें दोस्तों साफ तौर पर मांग को लिखा गया है, श्रमिकों की काम करते समय मृत्यु पर 10 लाख रुपया दिया जाए। तो दोस्तों, यह मांग है, मजदूरों का मांग है, लेकिन दोस्तों हुआ नहीं है। दोस्तों, कुछ और मांग है जो कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत में, दोस्तों उससे पहले कुछ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। दोस्तों, यदि आप लोग भी BRMGSS में काम करते हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों एक बात और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, दोस्तों BRMGSS में दोस्तों परिवारवाद नहीं चलता है। दोस्तों, जैसे जॉब हो गया आर्मी, उसमें दोस्तों भाई के कोटा पर छोटा भाई जा सकता है, पिता के कोटा पर बेटा जा सकता है, लेकिन दोस्तों BRMGSS में वैसा कुछ नहीं है। आप लोग दोस्तों काम करते हैं तो आपके बेटा बेटी आपके स्थान पर नहीं आ सकते, या दोस्तों यदि सीट खाली है तो उनको कुछ कुछ भी छूट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, एक बात और मैं मांग को लेकर आता हूं, दोस्तों सरकारी वर्दी कपड़ा दिया जाए, क्योंकि काम करते समय कपड़ा बहुत फटता है। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, आपको उसमें कपड़ा यानी वर्दी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों मांग में साफ तौर पर लिखा गया है कि सरकारी वर्दी और कपड़ा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों काम करते समय कपड़ा बहुत फटता है। तो दोस्तों साफ तौर पर मांग में लिखा गया है कि दिया जाए, लेकिन दोस्तों वहां पे मिलता नहीं है। दोस्तों, यह मांग है, लोगों की मांग है, यानी दोस्तों हम सब आप सब की मांग है दोस्तों, उसको पूरा किया जाए, लेकिन दोस्तों कोई सुनने वाला भी नहीं है। दोस्तों, मैं एक ही रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं पिछला वीडियो में बताया हुआ था कि दोस्तों 20 अप्रैल के बाद से ज्वाइनिंग शुरू होगी। तो दोस्तों आप लोग अप्रैल भर पूरा रुक जाइए, यदि ज्वाइनिंग नहीं होती है तो दोस्तों आप लोग भी NTPC और RRB ग्रुप डी के छात्रों के जैसा आप लोग भी दोस्तों सड़क पर उतरिए और दोस्तों हंगामे कीजिए, क्योंकि दोस्तों बिना हंगामे के कुछ होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।